ट्राई करने वाली हूँ वो है चिकन पॉप्सिकल्स, ये है आइसक्रीम स्टिक्स, तो ये आपको चाहिए होंगी। इसके ऊपर हम चिकन की फिलिंग को कोट करके लाइक जैसे वो चॉकोबार वगैरह हम नहीं खाते वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया है बोनलेस चिकन और इसको जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम सबसे पहले बॉइल करेंगे एंड मीनवाइल हम जो पोटेटोज हैं वो भी बॉइल करने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने जो एक पैकेट आता है विच इज बिटवीन 400 टू 500 ग्राम्स एवरी पैकेट वेरीज, तो उसके साथ मैंने ये तीन आलू लिए हैं। तो हम जल्दी से इसे बॉइल होने रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो साथ साथ मैं आपको इंग्रीडियंस बता दी जाऊंगी। ठीक है चलिए। और ये देखिए आज का हलवा रेडी हो गया, आज मैं थोड़ा ज्यादा बनाया क्योंकि आज ज्यादा हो गया। तो ये मैंने एक पतीले में पानी ले लिया, इसमें डाल दूंगी ये कटा हुआ चिकन और फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसके साथ हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और अच्छे से एक चम्मच मस्त बड़ा वाला अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ही मजेदार फ्लेवर आएगा। हमारा चिकन बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है और ना जब आप खुशबू ले रहे हो ना तो उसमें प्रॉपर आपको काली मिर्च और अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है जब भी आप चिकन से कोई स्नैक बना रहे हो कि उसकी हीक नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आई थिंक विद वन बाइट यू जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग इट। तो ये हो गया, मैंने बंद कर दिया, मैं इसे छान लूंगी। मीनवाइल मेरे पोटैटोज जो है वो बॉइल हो रहे हैं तो मुझे बस उसका इंतजार है। यहाँ पे मैंने दो अनियन फाइनली चॉप कर लिए हैं और ये दीदी मेरे लिए चॉप कर दी थी, लेकिन ये थोड़े बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे कैप्सिकम्स, इसे मैं इनको और थोड़ा फाइन में चॉप कर रही हूँ तब तक। और फिर हम सबको एक साथ मिक्स करेंगे, फिर कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे। अच्छा हम एग में भी डिप कर सकते हैं, एग कॉर्नफ्लोर दोनों में भी डिप कर सकते हैं, इफ यू वांट अ क्रिस्पर कोट तो वो हम कटे कटे डिसाइड करते हैं। सो फिलहाल लेट मी चॉप दिस कैप्सिकम वेरी फाइन, मैंने एक कैप्सिकम ली है और दो अनियन लिए हैं। तो ये हमारा चिकन बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, इसे हमें अभी शेड कर लेना है हाथों से। अगेन अगर आप चाहो तो इसे मशीन में क्विक विप दे सकते हो, पर हाथ से हो जाएगा आराम से। इसके बाद हम आलू भी मैश कर लेंगे और फिर इस पूरे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। आलू को जो है हम अच्छे से मैश कर देंगे। अब हम इसमें अपना ये प्याज, शिमला मिर्च ये सब डालेंगे और अब इसमें हम डालते हैं मसाले। तो ज्यादा कुछ हमने इसमें डालना नहीं है, हम सिर्फ डालेंगे नमक आपके स्वाद के हिसाब से, एक चम्मच मैं डाल रही हूँ, और गरम मसाला, दैट्स इट। अभी मैं पहले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इसके बाद मैं इसमें ऊपर से चीज और ये स्वीट चिली सॉस थोड़ी सी डालूंगी। आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स या ऑरिगैनो मिक्स वो सब भी डाल सकते हैं। सो मैं इतना ब्रिक ले रही हूँ, मैंने पहले कट कर लिया है, आप अपने चीज की क्वांटिटी कम ज्यादा अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। और ये मैं इसमें पूरा अच्छे से ग्रेट कर दूंगी। एंड लास्ट में टू गिव दैट तीखापन एंड थोड़ा सा स्वीटनेस, ये सॉस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हम थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस डालेंगे। बट अगेन आप इसे कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, तभी भी बहुत यम लगेगा। आप थोड़ी चिली फ्लेक्स डाल देना या ऑरिगैनो डाल देना या कुछ नहीं भी डालना, ऐसे भी बहुत सिंपल लगेगा। अगर आपको लगा ब्लैंड लगेगा तो बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं लगेगा, बहुत यम लगेगा। सो यस, बहुत ईजी है, आप जितना डो अपने हाथ में लें उसके बाद आपको इस पे अच्छे से उसे पैक करना है और फिर इस तरीके से आपको एक जो हम पॉप्सिकल्स खाते हैं आइसक्रीम के आइस के उसका शेप देना है। So it's just for fun, it's called chicken popsicle. नहीं तो है तो ये एक savory and एक fried dish. Popsicles तो जो है वो ice के होते हैं. So अब मैं बहुत late हो गई हूँ, तो फिलहाल मैंने 10 बना लिए हैं, ये last में बना लेती हूँ और उसके बाद तुरंत fry करके नीचे ले जाते हैं। और कोटिंग के लिए यहाँ हम सिर्फ तैयार कर लेते हैं, ये मैं ले रही हूँ एक कप मैदा, इसमें डालूंगी सॉल्ट स्वाद के हिसाब से और थोड़ी सी लाल मिर्च, एंड इसको ना हम अंदाजन पानी डाल के एक थिक प्यूरी की तरह हमें बनाना है, बहुत पतला बहुत रनी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। ये देखिए ये परफेक्ट थिकनेस हमने अचीव कर ली है, इससे पतला मत कीजिएगा वरना आपके जो पॉप्सिकल्स हैं वो बिल्कुल सही से कवर नहीं होंगे। अब ना देखिए इस तरीके से हमें डिप करते जाना है, ऊपर एक स्पून से आप इस पे ये बैटर डालते जाइए और इसके बाद अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ये देखिए, और इसके बाद इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से, है ना, वाह। सो ये लीजिए हमारा पहला पॉप्सिकल हो गया रेडी, इसे हम कर देते हैं फ्राई। तो चलिए एक और मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मैंने इसे मैदे के सिरप में कवर किया, अब इसे मैं ब्रेड क्रम्स में कवर कर रही हूँ। अब कुछ हो सकता है आपके हाथ में टूटने लगे तो आप इस तरीके से ब्रेड क्रम्स डालने के बाद भी उसे थोड़ा सा शेप दे सकते हैं, ये देखिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये ना चिकन, अम्मी देखो हम लोग चॉकोबार खाते हैं वैसी होती है ना, तो शेप वो है, इसलिए इसको पॉप्सिकल बोलते हैं आजकल। अच्छा, पर चिकन का है, बताओ बाबा खा के कैसा है। अच्छा ही तो नहीं आ रही, नहीं ना, नहीं 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 नहीं
गरम है ये हमारे चिकन के पॉप्सिकल्स कैंडी जैसे मैंने अभी गोला आइसक्रीम जो भी आपका वो रेडी हो गया बहुत अच्छे बने मैंने अब तक टेस्ट नहीं किया मैं आपके सामने टेस्ट करूंगी सबको बहुत पसंद आया जो मैंने सोचा था वो एक्चुअली मैंने कई वीडियोस भी देखे थे लेकिन एक्जैक्टली हर में कुछ अलग अलग तरीका था तो मैंने अपने तरीके से ये क्रैक करने की कोशिश की और हो गया है सो सबसे पहले मैं टेस्ट करती हूँ उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है बहुत यम है कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है फ्लेवर बहुत अमेजिंग आ रहा है बहुत बहुत मत बना एकदम यम बना है बिल्कुल अगर आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा बहुत अच्छा लग रहा है